ओम शांति। आज इस ज्वाइंट पेन के सेकंड एपिसोड में आज मैं आपको रोग के कारण बताऊंगा कुछ एक, क्योंकि कारण में ही निवारण छिपा हुआ होता है। कारण को दूर किए बगैर आप जोड़ों के दर्द, चाहे घुटना है, कमर है या कोई भी दर्द है, उसको आप दूर नहीं कर सकते। पिछली वीडियो में मैंने आपको घुटना दर्द के लिए सूक्ष्म अभ्यास सिखाए थे। आज मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा के अभ्यास बताऊंगा, सिखाऊंगा। वो आप करेंगे तो आपको अद्भुत लाभ उससे मिलेगा। तो पहले कारण पे आते हैं। पहला जो मुख्य कारण है वो है ओवरवेट। अगर जब आपकी आयु 25 से 30 साल की थी तो उस समय आपका वेट 50-60 के करीब था, घुटनों की ताकत ज़्यादा थी, और जैसे ही एज बढ़ती है उसके हिसाब से कैल्शियम का बनना कम होता है, घुटनों की ताकत कम होती है वेट को सहन करने की, और होता क्या है, वेट उसे कई गुना 10, 20, 30 केजी तक क्या होता है, घुटनों पे वेट बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से घुटना दर्द होता है। तो अपना वेट कम करें। दूसरा कारण मुख्य है जो है विटामिन डी की कमी है। आज धूप से दूर हो गए हैं और जैसे ही धूप में नहीं बैठते हैं, विटामिन डी की कमी होती है, उससे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये तीनों ही, पोटाशियम, ये तीन चार चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे अपने आप लगती है। चाहे आप कितना ही कैल्शियम की टेबलेट लें, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और शरीर में उससे स्टोन बनते हैं। इसका मुख्य कारण ये है। तो तीसरा जो कारण है वो है, इस वजह से क्या होता है, कैल्सीटोनिन जो हार्मोन्स है उसका अनबैलेंस होता है। उसमें क्या होता है कि आप जो है लगातार एसिडिक खाना खा रहे हैं। एसिडिक माना जिसमें आपके फल, सलाद, कच्ची सब्जियां, जूस है, नारियल पानी है, नींबू पानी, इन सब का मात्रा कम होना, इनकी मात्रा 80% होनी चाहिए, और एसिडिक जो पका हुआ भोजन है उसकी मात्रा 20% होनी चाहिए। अगर हो गया है उल्टा, 80-90% एसिडिक लेते हैं, पका हुआ भोजन लेते हैं, और 10% ही कच्चा भोजन लेते हैं, ऐसे में क्या होता है, हमारे ब्लड का लेवल, पीएच लेवल जो है वो 7.3 से 7.45 के बीच में होता है। तो उससे क्या होगा, जैसे ही एसिडिक लेवल बढ़ेगा हमारे ब्लड में, तो ब्लड क्या करता है, वो इतना स्मार्ट है, वो अपने पीएच लेवल को कम नहीं होने देता, वो जो हमारी बोन्स है वहाँ से वो पीएच लेवल ले लेता है। इसलिए आपने देखा होगा कईयों के पैर बिल्कुल, शरीर तो ऊपर से भारी हो जाता है, बिल्कुल पैर की हड्डियाँ बिल्कुल पतली होने लगती, उसका यही मुख्य कारण है। अगला कारण है अत्यधिक मात्रा में गुस्सा, जल्दीबाजी करना। जैसे ही आप कोई गुस्सा करता है, जल्दीबाजी का नेचर है, उसमें क्या होता है, हमारे नर्व की जो है वो डायमीटर है वो सिकुड़ जाता है, और उससे ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और जो है जोड़ों में जो लुब्रिकेंट है उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, चाहे सर्वाइकल पेन है वो बढ़ने लगता है। तो ये मुख्य कारण है। एक है लगातार कब्ज का बनना, वायु अधिक मात्रा में बनना, क्योंकि है ही वायु का दोष, तो इसे अपान वायु जब कुपित होती है वो बढ़ जाती है, तो जिससे क्या होता है, हमारे चाहे घुटना दर्द है, कमर दर्द है, सर्वाइकल है, माइग्रेन का पेन है, पैरालिसिस है, इन सब की वजह से ही अपान वायु है, तो उसको भी हमें कंट्रोल करना है। तो अब आते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर। प्राकृतिक जीवन शैली से हम किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं, तो हर रोज तो सूक्ष्म क्रिया, प्राणायाम, आप जो योग अभ्यास 1 घंटा रोज करिए, और दूसरा जो है प्राकृतिक चिकित्सा एक अद्भुत चिकित्सा है, इससे अद्भुत हमें लाभ मिलता है। तो उसमें क्या है, हमें जैसे मैंने बताया अपान वायु यानी आग तक टॉक्सिन्स जमा हो, तब तक आंत की सफाई नहीं होगी, तब तक कोई भी रोग जा नहीं सकता। कब्ज सभी रोगों की जड़ है, मूल है, माँ है। तो इसलिए हमें पेट की सफाई के लिए सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा में आता है एनीमा, क्योंकि स्टेप टू स्टेप अगर आप करेंगे तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये एनीमा पॉट होता है, इसको एक अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। इसमें पानी भरते हैं और 3 से 4
पोठवे ऊपर डालते हैं और इस पे जो है धीरे धीरे इस पे थोड़ा सा तेल अप्लाई करके हम इसमें क्या है फ्रेश होने के बाद एनीमा हमेशा लिया जाता है सुबह खाली पेट। उसके बाद क्या है आपने थोड़ा सा इसको तेल अप्लाई करना है सरसों का, एनस पे भी तेल लगाना है और धीरे धीरे इसको फिर आपने पानी को एक बार चला करके देखना है, फिर आपने इसको एनस के अंदर थोड़ा सा इतना डालना है और पानी को आपने चला लेना है, लंबे लंबे फिर श्वास भरनी है। और श्वास भरने के बाद जब पानी पूरा धीरे धीरे पहले इतना जाएगा फिर इतना जाएगा और उसमें क्या है आपने फिर पूरा पानी जाने लग जाएगा तो आपने हर रोज़ करनी है और पूरा पानी चला जाए उसके बाद आपने क्या करना है पेट की ऐसे क्लॉकवाइज आंतों की ऐसे मसाज करनी है और जैसे ही कुछ देर रुके उसके बाद तुरंत ही जितने भी पानी जो है वो क्या करेगा उसमें कभी नींबू पानी है, छाछ है, आंवला जूस है, इस तरीके से डालिए, थोड़ा गुनगुना आप कर सकते हैं, सर्दी का मौसम है, गर्मी में ऐसे ही नॉर्मल पानी आप लीजिए तो वो पानी क्या करेगा जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन सब टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा और जैसे ही आपकी बड़ी आँख की सफाई होगी तो उससे क्या होगा दर्द में बड़ा राहत मिलेगा। दूसरा काम आपने क्या करना है बहुत ही इजी है, उसके बाद आपने क्या करना है हॉट फुट बाथ जिसको कहते हैं स्नान, वो आपने हर रोज 15 से 20 मिनट करना है। उसमें क्या करना है आपने गर्म पानी लेना है गुनगुना जितना आपकी बॉडी सहन कर सके उतना लेना है और पैरों को आपने इतने अपने पैरों को बकेट में डालना है और सिर पे एक छोटा तौलिया लेके उसको पानी में थोड़ा सा निचोड़ के नॉर्मल पानी में और सिर पे रखना है, बाहर से आपने थोड़ा कंबल को लपेट लेना है और फिर उसके बाद क्या करना है एक तौलिया भी लेना, उससे घुटनों की भी सेक लगानी है आपने। तो ये तो हो गया, ये घुटनों की सेक के लिए आपने क्या करना है उसमें फिर आपने ऐसा टॉवल लेना है एक मोटे वाला, उसको क्या गर्म पानी में आपने उसमें फिटकरी डाल सकते हो, नमक डाल सकते हो, तो उसमें आपने घुटने की गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं, सर्दी का मौसम है तो गर्म गर्म करें नहीं तो आप गर्म ठंडा सेक आप कर सकते हो। इस तरीके से आपने हॉट फुट बात भी करते रहे और दूसरा आप जो है ये जैसे स्टीम बनता हो उस स्टीम से आप पूरा घुटने को ऐसे लपेट दे ताकि स्टीम 3 मिनट के लिए आपने अपने घुटने पे ऐसे रखना है और 3 मिनट बाद फिर जो है दूसरा जो ठंडा बर्फ का जो पानी होता है उसका तौलिया आपने रखना है। तो गर्म हटाने के बाद घुटनों को ऐसे आपने हल्का सा मसाज करना है ताकि घुटनों में ब्लड का सर्कुलेशन इजीली हो जाए, बहुत सरल है, सरल विधियां है, इसको गर्म ठंडा बोला जाता है, ये अद्भुत लाभ हमें देता है। पेट पे भी आप कर सकते हो गर्म ठंडा से क्योंकि पेट पैरों के जो जड़ है वो पेट ही होती है, इसलिए कहा जाता है कि पैर पेट में ही हमारे पैर होते हैं, तो मुख्य हम जो है पेट के पे भी करें सेक और हमारे घुटनों पे भी सेक करें, कितनी बार 3 से 5 बार इस सेक को करें, 3 मिनट गर्म और 2 मिनट 1 से 2 मिनट तक हम ठंडा ठंडा यानी बर्फ का उसमें डाल दें, उस पानी में एक बाउल में आप जो है गर्म पानी रखें दूसरे में आप ठंडा पानी रखें। तो ये दूसरा ये करना है हॉट फुट बाथ, घुटनों के गर्म ठंडा सेक और तीसरी चीज आपकी आती है इस मसाज। मसाज क्या करनी है हमने देखिए घुटने में हमारे दोनों घुटनों की हर रोज धूप में बैठकर आपने उसके बाद क्या करना है 15 से 20 25 मिनट तक हर रोज आपने सन बात करना है, धूप में बैठना है, रेड कलर के कपड़े पहनकर बैठते हैं तो अच्छा उससे लाभ मिलता है क्योंकि मूल आधार चक्रा का कलर हमारा लाल है और मूल आधार चक्रा ही हमारे जोड़ों के ज्वाइंट्स हैं उनको वो कंट्रोल करता है, जितने भी घुटने हैं उन सब को वो कंट्रोल में करता है, तो इसलिए हमने लाल रंग के कपड़े पहनकर अगर बैठते हैं फिर हमने घुटनों की मसाज करनी है। तिल का तेल लीजिए, कैस्टर ऑयल लीजिए, उसमें आप जो है थोड़ा लहसुन या सौंठ मिला के हल्दी मिला के उसको गरम की कर लीजिए और गरम करने के बाद हर रोज आपने घुटनों की मसाज करनी है, पहले 5 मिनट तेल लगा के ऐसे मसाज करें, उसके बाद आपने हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं ये हमारे जैसे मोड़ते हैं तो ये हमारे यहाँ सॉफ्ट पॉइंट होता है तो इसकी हमने ऐसे मसाज करनी है इस तरीके से, ये
इसकी जो गड्ढा सा होता है इसकी मसाज करनी है धीरे धीरे। फिर हमने ये यहाँ पे मसाज करनी है, इधर ये इस तरीके से ऊपर की ओर मसाज करनी है यहाँ पे, और फिर दोनों हमारे बीच के मसाज करनी है। तो इस तरीके से आपने अपने घुटनों की रोज मसाज करनी है। मसाज से आपका पैर बिल्कुल लाल हो जाना चाहिए बिल्कुल धीरे धीरे। और उसके बाद आपने मसाज के बाद ये आपने मसाज करनी आगे जो आपका इसका जो हमारा जो कटेला बोन होता है उसको आपने राइट लेफ्ट ऐसे मूव करना है, उसको चलाना है। तो ये आपकी मसाज होगी। इसके बाद मसाज आपने जरूर करनी है नाभि की। नाभि की मसाज आप करते हैं तो उससे अद्भुत आपको लाभ मिलेगा। नाभि विज्ञान पे भी मैं एक सीरीज चलाऊंगा। इसमें क्या होता है, नाभि से हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जब हम माँ के पेट में थे तो नाभि से ही पूरे शरीर का पोषण होता था। तो नाभि में अगर आप तिल के तेल की या फिर आप ओलिव ऑयल की मसाज करते हैं तो उससे बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। स्पेशली जोड़ों के दर्द में, ज्वाइंट्स पेन में इन्हीं का ही प्रयोग किया जाता है। मसाज आपने नाभि की, कुछ बूंदे आपने नाभि में डाली और उसके बाद धीरे धीरे पूरा नाभि के अंदर भी आपने क्लॉकवाइज और फिर नाभि के चारों ओर आपने मसाज करनी है। तो उससे क्या होगा, जोड़ों में लुब्रिकेंट जाएगा और जोड़ों के दर्द में बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा फिर आपने क्या करना है, लास्ट में, सबसे लास्ट में, ये हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में आती है, इसको बोलते हैं लपेट। घुटने की लपेट आती है, ये ठंडी ये गर्म, ये क्या करती है, दोनों ही टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठंडा भी और गर्म भी। पहले इसको हम पानी में, नॉर्मल पानी में या ठंडे पानी में थोड़ा सा, हम जब पूरी हमारी क्रिया हो जाए उसके बाद आपने लपेट लगानी है। इसको आपने नॉर्मल पानी में भिगो के निचोड़ के थोड़ा सा, फिर आपने घुटने पे ऐसे ये देनी है, लपेट देनी है इस तरीके से, ये ऐसे पूरा लपेटने के बाद फिर आपने क्या करना है, और आपने धीरे धीरे इसके बाद इसके ऊपर ये लपेट लगानी है ऐसे इस तरीके से ये। तो ये लपेट आप किसी भी आपके नियरेस्ट अगर कोई प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है तो उस पर आप जो है ले सकते हैं, मिल सकती है आपको। इस तरीके से इसको आप लपेटिए और आप जो है इसको आधा घंटे से लेकर बांध के रखिए, कम करिए कोई भी, तो उसके बाद आप खोल लीजिए आराम से, बढ़िया लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपने खाने पीने में अपनी डाइट को नेचर की तरफ रखना है, यानी एल्कलाइन डाइट को बढ़ाना है, जिसमें कि मुख्य रूप से आपके फल सलाद थोड़ा अंकुरित है, उसमें मेथी दाना मूंग है, उसमें खूब सारा सलाद डालिए, है ना, खूब सारे फ्रूट खाइए और खट्टे फल खाइए। कई ऐसे हैं खट्टे फल खाने से जोड़ों के दर्द बढ़ते हैं, पर वो तभी बढ़ते हैं जब आप फल भी खा रहे हो और आप जो है साथ साथ एसिडिक डाइट भी ले रहे हो। जब आप एल्कलाइन डाइट लेने लग जाएंगे धीरे धीरे करके आपके जो है जोड़ों के दर्द आपके ठीक होंगे। तो इस तरीके से आप प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक आहार, उसमें आप थोड़ा सा जो गर्म चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा अदरक है, सौंठ है, हल्दी है, इस तरह की चीज़ों का अगर सेवन करते हैं, अश्वगंधा है, तावरी है, ये मुख्य रूप से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजयोग मेडिटेशन, हीलिंग मेडिटेशन से कैसे हम अपने जोड़ों के दर्द को, कि कैसे हम, क्योंकि विशेष रूप से हमारे शरीर में अपान वायु के मूल आधार चक्रा के उस कुपित होने की वजह से होता है, उसमें अनबैलेंस होने की वजह से होता है, और जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं वो हमारे जोड़ों के दर्द भी उससे ठीक हो सकते हैं, वो सिखाऊंगा। मेरे चैनल डिवाइन नेचर क्योर को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि आप औरों को भी ये चीज़ सिखा सकें। बहुत ही सरल है, बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि शरीर हमारा नेचर से बना है और नेचुरल चीज़ें से ही इसको
हैं, प्रकृति के समीप आइए, प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाइए, नेचर क्योर को अपनाइए। ओम शांति। थैंक यू।